subscribe The Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. आज राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि देश का संविधान खतरे में है। राहुल ये बात पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इस आरोप के इर्द गिर्द अब कांग्रेस की पूरी राजनीति चल रही है, उसे देखकर यह सवाल भी उठता है कि आखिर कांग्रेस की इस मुहिम का मकसद क्या है? संविधान खतरे में है या फिर खुद कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है? जिस कांग्रेस ने सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा, जिस कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, जिस कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अविश्वास किया, जिस कांग्रेस को चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं, जिस कांग्रेस को आरबीआई गवर्नर अयोग्य लगते हैं, उस कांग्रेस को लगता है कि देश का संविधान खतरे में है। देश की रेपुटेशन, दुनिया में देश की रेपुटेशन मोदी जी ने खत्म कर दी है। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने ये तेवर संविधान बचाओ अभियान का आगाज करते हुए दिखाया। राहुल ने आरोप लगाया कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया है। सबके सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक आरएसएस के विचारधारा के लोगों को डाला जा रहा है, इस विचारधारा वाले लोगों को। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद संविधान अभियान को दलित वोट के जुगाड़ का आयोजन बना दिया। कार्यक्रम में राहुल गांधी वोट के लिए जुबानी जुगाड़ भिड़ाने लगे, मोदी सरकार को दलित विरोधी बताने लगे, तो जवाब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिया। फेसबुक पर अमित शाह ने लिखा, जब राहुल कहते हैं कि कांग्रेस ने संविधान बनाया तो वो परिवारवाद के लिए बाबा साहेब का अपमान करते हैं, जिनको सेना, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। वो कहता है कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं है। हमें कांग्रेस से संविधान को बचाने की जरूरत है। वैसे आजकल राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को 15 मिनट बोलने देने की चुनौती दे रहे हैं। आज तीसरी बार भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। 15 लाइन सही से लिखना नहीं आता है, वो इस प्रकार धमकाए नहीं। जो व्यक्ति महीने में 15 दिन विदेश में रहता है, जब वो कहते हैं कि मुझे 15 मिनट बोलना है, तो द कंट्री आस्क्स, आर यू सीरियस राहुल जी? ये सच है कि राहुल गांधी दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस की वापसी का रोड मैप बना रहे हैं, इस वजह से उनका दलित प्रेम भी जाहिर है। लेकिन बीजेपी के लिए राहुल का अभियान पैरों के नीचे से खिसकती जमीन बचाने की छटपटाहट से ज्यादा कुछ नहीं। अब बात कांग्रेस की महाभियोग वाली पॉलिटिक्स की, जो आज धराशायी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। मोदी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र फेल, मिशन महाभियोग को महाझटका, लेकिन अभी पॉलिटिक्स जारी है। टू से द लीस्ट, द ऑर्डर इज अनप्रेसिडेंटेड, इलीगल। ये खीज है उस खेल के खराब होने की, जिसके सहारे कांग्रेस नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बदनाम करना चाहती थी। जज लोया केस में देश की सबसे बड़ी अदालत में मुंह की खाने के बाद जब कांग्रेस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसने न्यायपालिका पर सबसे बड़ा प्रहार किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामन पर कीचड़ उछालकर कांग्रेस ने महाभियोग की मांग रख दी। सांसदों के दस्तखत के साथ कांग्रेस राज्यसभा पहुंची, लेकिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव की 22 खामियां गिनाकर खारिज कर दिया। ये विपक्ष के लोग वेंकैया को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम ध्यान से इसको पढ़कर फिर उन्होंने एक फैसला दिया। मैं तो ये कह रहा था कि इसको पहले दिन ही पहुंचते इसको कूड़े के टोकरी में फेंकना चाहिए था, क्योंकि एक कंडीशन है कि जब आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाएंगे तो उसमें कौन से आपके आरोप हैं, इसको पब्लिक नहीं कर सकते हो।
पहले जज लोया की मौत की जांच वाले केस में हार और अब चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी खारिज। अब कांग्रेस को उपराष्ट्रपति के फैसले में खोट नजर आ रहा है। सीबीआई ने जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका टेलीफोन पे कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट किए, एक नहीं दो नहीं कई किए, और उनका बकायदा जो जजमेंट्स के हैं, जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जिसमें चीफ साहब बैठे हैं, उन जजमेंट्स का तालमेल है उस कन्वर्सेशन के साथ। तो ये कहना कि ठोस, इससे ठोस सबूत हो ही नहीं सकता। लगातार हार से हताश कांग्रेस उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, वो उपराष्ट्रपति के फैसले की कानूनी मेरिट की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो एक बार फिर वो देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर खड़ी होगी। कांग्रेस उसी न्यायपालिका की चौखट पर होगी जिसके खिलाफ उसने अविश्वास का माहौल बनाना चाहा। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि कांग्रेस के महाभियोग प्रस्ताव में इतने छेद हैं कि उसे अदालत में भी औंधे मुंह गिरना है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ लाया गया कांग्रेस का महाभियोग प्रस्ताव क्यों खारिज हो गया। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव को खारिज करने के लिए आदेश जारी किया है। इसमें कुल 22 बिंदु गिनाए गए हैं। महाभियोग प्रस्ताव में किसी तरह का मेरिट नहीं दिखा। तकनीकी आधार पर इस प्रस्ताव को खारिज किया गया है। चीफ जस्टिस के खिलाफ दुर्व्यवहार या नाकाबिलियत के बारे में ठोस और विश्वसनीय जानकारी नहीं थी। तकनीकी तौर पर किसी भी तरह से मंजूर करने लायक नहीं था। इस प्रस्ताव पर 7 पूर्व सांसदों के दस्तखत थे। सभापति ने प्रस्ताव खारिज करने के जो आधार तय किए हैं उसमें ये भी है कि सांसदों ने हैंडबुक में उल्लेखित नियमों का ध्यान नहीं रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की।